नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी खास शो, जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 ऐसे दमदार स्टॉक्स जो दिन भर के लिए आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं। मैं हूं रजत और मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। बिल्कुल, तो खैर आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत फिर से एक बार देखने होंगे और साथ ही साथ जो दो तीन दिन की तेज गिरावट देखने को मिल रही है ना मिड कैप में, थोड़ा सा संभल कर निवेश करने की समझ बनती है। बहुत ज्यादा बिकवाली है yes, जो मिड कैप सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा, हालांकि इंडेक्स तो किसी न किसी शेयर की वजह से मैनेज हो जा रहा है क्योंकि 50 शेयर है, अगर आपका 20% हिस्सा यानी कि करीब 5-6 शेयर भी चल गए तब भी हो जाता है काम, लेकिन उसके बावजूद जो मिड कैप का अर्नेज है वो बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर एक बार पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेत देख लेते हैं और उसके बाद आज के शेयर का सिलसिला। मेरी सूची में कुछ आपको बाय और सेल भी मिलेंगे, आई होप रजत की ट्रेड में भी आपको बाय की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। ये एसजेक्स निफ्टी अभी तक तो 10,500 के नीचे नहीं गया, 28 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। कल हमने बहुत अच्छी तरह से 10,500 को संभाल लिया, तो आज गैप डाउन होने के चांसेस प्रमफेसी अभी तो कम लग रहे हैं। एक बार जब बाजार खुलेगा तब के तब लेवल्स नए तरीके से देखने होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर 10,500 गैप के साथ नहीं खुलने वाला, गैप डाउन होकर नहीं खुलने वाला। हो सकता है बचा लिया जाए और कुछ शॉर्ट कवरिंग आ जाए, कहाँ से आएगी किस रूप में आएगी एक बार ये भी देखना होगा। खैर एक बार जरा ये देख लेते हैं कि एशियन मार्केट्स में आज कामकाज क्या हो रहा है, हालांकि हांगकांग का बाजार आज बंद है। अब आते हैं जरा यूएस मार्केट्स पे, वहाँ की क्लोजिंग हमको कैसे आती है। देखिए डाउ की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि वहाँ की क्लोजिंग हमारे काफ़ी हद तक शेयर्स पे इंपैक्ट डालती है, जैसे कि आईटी, अगर आप नेस्टेक का हिस्सा देखेंगे 0.5% के आसपास बढ़ा है, एनर्जी वाले शेयर से डाउजंस काफ़ी अच्छा चलता है तो वहाँ से भी 1-1.25% तक की तेजी आई है। कच्चा तेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो $80 के पास पहुँचा है। ये पूरी की पूरी जो आंकड़े हैं इन शेयर से पहले जानना ज़रूरी थे, इसलिए आपके सामने हमने सारे आंकड़े रखे। अब जरा कल के ट्रेड जो हिट कॉल हुई है जरा वो आपके सामने उतारते हैं और उसके बाद फिर आज के कुछ एक बेहतरीन ट्रेड भी आपके सामने। रजत आपकी लिस्ट तैयार है, वैसे आपकी लिस्ट में आज थीम क्या है ज़्यादा? देखिए थीम तो वही है मिड कैप स्मॉल कैप, इनफैक्ट चीनी सेक्टर ये कहीं ना कहीं आज रडार पर रहने वाला है। कल के सत्र में भी एकदम से तेजी पकड़ी थी चीनी ने और हो सकता है कि आज भी बाजार पे पकड़ जो है वो मजबूत रहे, खबर बड़ी आने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा नतीजों का ट्रिगर है और जो नतीजे डिसअपॉइंट करके गए वो मेरी शीट में, ठीक है मेरी शीट में आज आपको देखेगा तो थोड़ा रुपए का फैक्टर आज ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा कच्चा तेल जो वापस $80 पर पहुंचा है, इससे जुड़े हुए हमने काफी सारे शेयर्स उतारे हैं। तो शुरू करें शेयर्स का सिलसिला, शुरुआत करते हैं महानगर गैस के साथ। ये बिकवाली की कॉल है, हाई लेवल पे हो सकता है कि आज टिक ना पाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए क्योंकि जो ओवरनाइट नतीजे आए उसमें मुनाफे की फिगर आई है 105 करोड़ की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 126 करोड़ एटलीस्ट यहाँ पर कंपनी जो है मुनाफा पोस्ट करेगी और एबिटा भी हम 203 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले 176 करोड़ मात्र 176 करोड़ का एबिटा इस कंपनी ने पोस्ट किया और मार्जिन घट गए हैं, बिल्कुल भी हमारे अनुमान के मुताबिक है नहीं नतीजे। हो सकता है कि आज शुरुआत में ही कमजोर खुले, उसके बाद देखते हैं कि दिन भर यहाँ पर कैसे ट्रेड होता है। लेकिन कल के सत्र में लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हुई जो इसको 2% के नीचे ले गई। अब अगला टारगेट जो बैठेगा वो रहेगा 818 से 820 की रेंज पे आप महानगर गैस का लगाएं टारगेट और स्टॉप लॉस आपको 850 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से इस स्टॉक पे लगाकर चलना होगा। आज शुरुआती सत्र में हो सकता है कि दबाव इस स्टॉक पे देखने को मिले। मैं फिर से बता दूं कि जो टारगेट है वो है 818 का और स्टॉप लॉस आपको 850 का इस स्टॉक पे लगाकर चलना होगा। तो महानगर गैस पहली कॉल होगी और ये बिकवाली की कॉल है। दूसरा स्टॉक जो है वो खरीदारी के लिए है और वो है मोतीलाल ओसवाल। इनफैक्ट ये आमतौर पर चर्चा नहीं होती है स्टॉक की, लेकिन सिर्फ नतीजों के दम पे यार हो सकता है कि स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिले क्योंकि ये मुनाफे की फिगर है 90 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़, सिग्निफिकेंट जंप है और आय भी 547 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गई है 756 करोड़ की और एबिटा क्योंकि ऑपरेटिंग आधार पर ही नतीजे काफी बेहतर हैं, तो हो सकता है कि आज स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो। तेजी पकड़े ये स्टॉक, 945 से 950 ये आज दिन का पहला टारगेट होना चाहिए और 910 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है दो शेयर हो गए रजत के, तो मेरी सूची में जो पहले दो शेयर्स हैं उनके साथ न्यूज भी है, एक तो सेक्रेटोरियल ठीक है। पहला शेयर होगा TCS, साल के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ, कल जब तेज गिरावट देखने को मिली थी इंडेक्स को मैनेज करने का काम इसके हाथ में था और दूसरा रुपए की कमजोरी का भी बड़ा बेनिफिशियरी है, लगातार बाय रिपोर्ट्स इस पे पहले भी आ रही थी। टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस से बुलिश दिख रहे हैं, वायदा बाजार में कल शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिले, तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं था जहां से कल TCS ने निराश किया हो। आप चाहें तो इस मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकते हैं। आईटी वैसे भी आजकल ऑटोमेटिक हेज है मार्केट का क्योंकि रुपए की कमजोरी मार्केट पे बड़ा ट्रिगर है जो इनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है,
तो आप चाहें तो 3610 रुपये का टारगेट रख के एक बार इसमें आप फिर से सौदे खड़े कर सकते हैं। कल के हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा और 3540 का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा शेयर होगा मेरी तरफ से वह सिंटेक्स प्लास्टिक का। सिंटेक्स के दो शेयर है, एक प्लास्टिक वाला और एक दूसरा टेक्सटाइल वाला, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से जो है। आप प्लास्टिक वाली कंपनीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि मॉर्गन स्टेनले फ्रांस का, जो फ्रांस की डिवीजन है, उसने इसमें करीब 45 लाख शेयर खरीदे हैं, 44.9 लाख शेयर खरीदे हैं और जो भाव है वो 51.90 रुपये का, जिसपे कल एक क्लोज ही हुआ ऑलमोस्ट। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के शेयर, खासकर मिड कैटेगरी शेयर चुनने में हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें ये भी देखना पड़ा कि इसमें डिलीवरी का बेस क्या है, ये चार्ट में ज़रा ख़राब तो नहीं है। अब आप देखें कल की तेज़ गिरावट थी मिड कैप में, लेकिन इसमें सिर्फ 0.25% तक की गिरावट थी, 78% की डिलीवरी ऑलरेडी इसके पास है। 53.50 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का टारगेट रख के आप एक बार इसमें खरीदारी करें। 51.50 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो इस समय तेज हैं और सबसे ज्यादा खरीदारी जो है निचले स्तरों से वो शुगर स्टॉक्स पे ही देखने को मिल रही है। खबर यहां पर यह सूत्रों के हवाले से कि चीनी मिलों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार तैयारी कर रही है 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का और साथ ही साथ मिलों की से जो खरीद है उसका न्यूनतम भाव भी तय हो सकता है और ये जो भाव है वो हम समझ रहे हैं कि लगभग 30 रुपये प्रति किलो के आसपास तय होगा। अच्छी तेजी इसी न्यूज़ के चलते एंटीसिपेटेड खरीदारी हो चुकी है शुगर स्टॉक्स में। हो सकता है कि ये बड़ा फैसला आने से पहले आज भी हरकत में रहे शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कल के सत्र में 5% तेज था, हो सकता है कि आज भी तेज खुले। 43 का टारगेट रहेगा और 40 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और साथ साथ मवाना शुगर कल के सत्र में सुबह 4% के आसपास की तेजी थी, लेकिन आज 40 का टारगेट रखें और 37 का स्टॉप लॉस। और ये जो शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक है बहुत ज़्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक जो भी खबर है बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव यहाँ पे कॉमोडिटी है, कोई भी खबर चीनी मिलों को राहत देने वाली इंपैक्ट डालेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखें जितने भी शुगर शेयर्स हैं इंट्राडे बेसिस पर खबर के साथ ही चलते हैं और खबर के साथ कमजोर भी होते हैं, इसलिए अगर आपको पोजीशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने वित्तीय सलाहकार से पूछेगा जरूर इसमें करना क्या है, लेकिन खबर के बेसिस पर ये शेयर चल सकते हैं। आपकी जो खबर है काफ़ी दमदार भी है क्योंकि इस समय पॉलिटिकल ईयर भी है, वैसे भी साल में चुनाव है कई राज्यों में और उसमें राजस्थान मध्य प्रदेश हालांकि यहाँ पर फसल शुगर केन से कुछ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सेंसिटिव किसानों का मामला है तो शायद जो भी आप खबर बता रहे हैं इसका पूरा फायदा किसानों यहाँ पे गन्ने के साथ। दो शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग मवाना, लेकिन बाकी के स्टॉक्स देखिए कल तमाम स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए और तगड़े रिटर्न्स मिले थे। हो सकता है कि शुरुआत आज बेहतर हो जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें। जैसे डिम्पी ने बताया पोजीशन भी रखने लायक है नहीं, लेकिन इंट्राडे में क्योंकि खबर ही काफी स्ट्रांग है तो इंपैक्ट डाल सकती है स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की भी। ONGC पे आप ध्यान रखें। देखिए ONGC एक तो फ्रंटलाइन शेयर है, अब तो वैसे भी आपको क्योंकि इस समय ट्रेंड जो है ना क्रूड का वो बुलिश है, ये एक दिन में 6% शेयर टूटने वाला नहीं है, कम से कम ऐसे तो इसके साइन नहीं दिखते, अभी तक तो नहीं दिखते हैं। आप कल के मार्केट में भी इसमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है। अच्छी बात यह है कि इसका जो मेन ट्रिगर है क्रूड वो $80 के आसपास आ गया है, यहाँ पे आके एक थोड़ा मेक ब्रेक लेवल है, एक बार ये भी पार होता है तो शायद ONGC को और बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। आप चाहें इसमें खरीदारी कर सकते हैं, एक बार 3-4 रुपये का प्लस माइनस के हिसाब से इसमें ट्रेड लीजिएगा। 191 तक का टारगेट रखिए, ये तक का टारगेट है, आप 190 पे बेचना चाहे आपकी मर्जी, 189 पे बेचना चाहे आपकी मर्जी, 184 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस हमने आपको सिर्फ 1.5 रुपये दिक्कत दिया है, लेकिन टारगेट में उसका 2 गुना 3-5 रुपये तक आप चाहें तो कमी रख सकते हैं। एक ONGC पे ध्यान रखिएगा। दूसरा है टाटा एलेक्सी। हमने अपनी शीट में ज़्यादातर F&O के शेयर्स को भी जगह दी है। F&O के शेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड कैप कार्नेज अभी चल रहा है, मिड कैप में तेज गिरावट है, शेयर को चुनना, शेयर के अंदर पुल बैक आना, कब आएगा, किस रूप में आएगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ में ना आए, आपका स्टॉप लॉस कट जाए, इसलिए बड़ा मुश्किल है उसको ढूंढना। हाँ, टाटा एलेक्सी ने कल क्लियर कट साइन दिया। पहला साइन इसका ये था, एक तो हरे निशान में बंद होना 1%, ये इस तरह के मार्केट के अंदर जो भी शेयर हिम्मत दिखा के इस तरह से बंद होता है वो वैसे ही अपने आप में देखने लायक हो जाता है। अब वादा के अंदर हुआ क्या, कल इसके अंदर हमने देखा कि आखिरी घंटे के अंदर वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है, रुपये का भी थोड़ा कमजोरी का बेनिफिट इनको मिलता है, कुछ एक सर्विसेज ये बाहर भी देते हैं, वैसे भी ये IT के अंदर है, IT भी स्पेशलाइज्ड IT के अंदर है क्योंकि ये कुछ डिजाइनिंग का काम करते हैं, सिर्फ टाटास के लिए नहीं बल्कि अब तो टाटास के बाहर के लिए भी करने लगे हैं। तो कल की क्लोजिंग, इनके सर्विसेज, रुपए का कमजोरी, सब कुछ इनके फेवर में जा रहा है। 11.90 का टारगेट रखें, 11.50 का एक स्टॉप लॉस रखें, इस सौदे में भी आज उतरा जा सकता है। और वैसे भी रुपए का फायदा इनको मिल रहा है, रुपए वीक होने का IT कंपनी को। और ऊपर से जो आपने ONGC बताया था ना उस पर आज क्रूड पे फिर से खबर निकल आई है। US मैंने ये बोल दिया है US ने कि वो ईरान पे अब तक के सबसे बड़े सैंक्शन लगाने जा रहे हैं और अगर नॉर्थ कोरिया भी नहीं मानता, वो भी जो अगले महीने वार्ता है US की और नॉर्थ कोरिया की, वो भी नहीं मानता तो उसके ऊपर भी तगड़े सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रूड का बाजार है ना ये पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हरकत में है और ONGC
क्रूड का ट्रिगर है, टाटा एलेक्सा है रुपए का ट्रिगर। चलिए ऐसे में दो ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न्स दिला सकते हैं, आज के ईपीएस शेयर्स देखते हैं। नवकार कॉप होगा जिसमें खरीदारी करने का मौका है आज के सत्र में, एटलीस्ट शुरुआत में। अगर बाजार कोई भी पुल बैक आया तो इस स्टॉक पे नजर रखें, क्योंकि यहां पर नतीजों का ट्रिगर है, दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। रेवेन्यू बता दूं, यानी कि आय उसमें 16% का इजाफा है, मुनाफा 33%, लेकिन सबसे बेहतर बात मार्जिन पिक्चर सुधरी है। 36.4% के मार्जिन थे पिछले साल, वो बढ़कर हो गए हैं 43%। तगड़े ऑपरेटिंग नतीजे हैं, हो सकता है कि आज शुरुआत में ही स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। 157 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से 148 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। कल बाजार गिरा था, इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन नतीजे दमदार। लेकिन हमारी जो खबर है वो फिर से एक्सपोर्ट से ही जुड़ी हुई ज्यादा है, वो है एलटी फूड्स। हमने अपनी शीट में रुपए की कमजोरी वाले शेयर्स थोड़े ज्यादा रखे। देखिए इसके एक तो गुरुवार को नंबर आने वाले हैं, यानी कि 2 दिन बाद नंबर इसके अच्छे रहेंगे, मुनाफा 2 गुना होके आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हमने इसको देखा समझा, उसके बाद लगा कि एलटी फूड्स के अंदर नंबर तो बहुत शानदार आ रहे हैं। दूसरी बात, रुपए की कमजोरी का इनको ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है। अब कैसे फ़ायदा मिलेगा ये समझिए, 55% का एक्सपोर्ट करती है कंपनी, यानी कि इसकी जो टोटल आय है उसमें 4700 रुपये कमाती है, तो 55 रुपये इनको एक्सपोर्ट से ही आता है, और रुपये की कमजोरी से अनड्यू बेनिफिट होता है, यानी कि आप जो दे रहे हैं उसके फालतू आपको पैसे मिल रहे हैं, वो तो देना ही है, तो एक्सपोर्ट तो आपको करना ही है। जहाँ पर आपको 65 रुपये मिले वहाँ पर 68 रुपये मिले, यानी कि 3 रुपया पर लॉट के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलने लग जाए तो आपके लिए अनड्यू बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए रुपये की कमजोरी ये बैलेंस शीट में इनके ऑपरेशंस में ऐड नहीं होती है, उसके बाद का बेनिफिट है जो इनको सर्कमस्टांसिस की वजह से मिल रहा है। एलटी फूड इस पर ध्यान। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, खाड़ी देशों में इस समय क्रूड के दाम अच्छे हैं, वहाँ पर खपत अच्छी है, लोगों का पलायन जो खाड़ी देशों से आ रहा था वो थोड़ा रुका है, और इसलिए वहाँ पर जो चावल की खपत है वो फिर से बढ़ी है। तो इसलिए इस बार के क्वार्टर के नंबर वैसे भी शानदार आने ही थे, इसकी उम्मीद है कि 100% ही बढ़ के आएगा और इसका 2 गुना ही मुनाफा हो सकता है। आप ध्यान रखें इस पे, और 87 रुपीज तक का टारगेट रखें, खरीदारी करें, 82.50 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। चलिए फटाफट से रीके आप देखते हैं कौन से स्टॉक्स आपको अभी तक बता दिए गए हैं। एक बिकवाली की कॉल है मेरी ओर से, वो है महानगर गैस। नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक तो नहीं है, एटलीस्ट 818 से 820 के टारगेट के लिए बेचें, 850 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। खरीदना है तो मोतीलाल ओसवाल स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है, 945 से 950 का टारगेट रहेगा आज के लिए। शुगर इंडस्ट्रीज जुड़े स्टॉक्स जो है वो रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो 30 लाख टन चीनी बफर स्टॉक बनाने की तैयारी कर रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मवाना शुगर जैसे स्टॉक्स कल भी तेज थे, आज भी एक्टिव हो सकते हैं। और नवकार कॉप दमदार शेयर, आज नतीजों के दम पे इसमें एक्शन रह सकता है। 157 से 160 का टारगेट है और 148 आज दिन का स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाएं। मेरी तरफ से जो शेयर दिए गए उससे पहले 5 शेयर है TCS, एक तो साल के उच्चतम स्तरों पर बंद है, नए लेवल्स इसके पास हैं, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं है। IT का एक शेयर बड़ा लीडरशिप ले रहा है मार्केट के अंदर, आज भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत। सिंटेक्स प्लास्टिक, इसमें एक मॉर्गन स्टेनली फ्रांस की यूनिट ने 45 लाख शेयर खरीदे, इसके मौजूदा भाव पर ही आज शेयर थोड़ा तेज़ हो सकता है। 53.50 से 55.50 तक का टारगेट रखें। ONGC पे कच्चे तेल का बेनिफिट आज मिल सकता है, एक रेंज में रह के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 84 का स्टॉप, 191 का टारगेट होगा। टाटा एलेक्सी, रुपए की कमजोरी का बेनिफिट इनके पास भी, आखिरी घंटे में अच्छा वॉल्यूम है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टेक्नोलॉजी सर्व कर रही है, सबका सब बेनिफिट इनके हाथ में आएगा। एलटी फूड्स, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि गुरुवार को इसके नतीजे आ रहे हैं, मुनाफा वैसे भी डबल आ रहा है, रुपए की कमजोरी, 55% एक्सपोर्ट करती है कंपनी, खाड़ी देशों में एकाएक मांग बढ़ी है, तो रुपए की कमजोरी का भी बेनिफिट जोरदार इस बार नंबर्स में इनके आपको आता हुआ दिखेगा। तो एलटी फूड्स पे आप ध्यान रखें, ये आज का एक ईपीएस शेयर है। चलिए 10 शेयर आपको मिल चुके हैं, 5 शेयर मेरी तरफ से और 5 रंजित की तरफ से, लेकिन 5 शेयर अभी और हैं, ये मुनाफे वाले बेहतर रिसर्च के वो शेयर हैं जो आज मेरी थीम है, उसमें रुपया और कच्चा तेल को हमने ज़्यादा फोकस किया, और साथ ही कुछ एक नंबर्स वाले शेयर भी है। और रजत की शीट में आज कॉमोडिटी बेस्ड शेयर ज़्यादा जा रहे हैं, और चीनी के शेयर्स हैं कुछ, और साथ ही नतीजों वाले शेयर्स भी हैं। खैर, सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी मेरी लिस्ट में एक और बाय आपको मिलने वाला है, जरा वो देखिए, वो है ADF फूड। मेंटर कैपिटल ने कल 4.5 लाख शेयर इसमें खरीदे हैं और 263 पे। पिछले 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि ADF फूड के अंदर किसी तरह की गिरावट ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, ये शेयर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। कल भी मामूली 2% तक की गिरावट से, अगर आप और मिड कैप से कंपेयर करें जिनमें तो 8-8% 10-10% तक की गिरावट भी रही है,
और दूसरा क्या है, ये खपत कंजम्पशन वाला शेयर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी एक्सपोर्ट करती है काफ़ी हद तक, तो रुपए की कमजोरी इनके हक में भी आ जाएगी। तो एक तो शेयर खरीदें, दूसरा जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में ये पता लगा इसकी कैश डिलीवरी भी अच्छी है। अमूमन मिड कैप के शेयर में कैश डिलीवरी वाला क्वांटम ढूंढना भी अपने आप में चैलेंज होता है। 74% की कैश डिलीवरी शेयर के पास है। आप 2.65 रुपये तक का टारगेट रखें, इसमें एक बार खरीदारी करें, 2.55 का एक स्टॉप लॉस है, 1.5-2 रुपये नीचे ज़्यादा चांस आपको शायद नहीं लगेगा स्टॉप लॉस का और टारगेट हिट हो जाएगा, 2.65 का टारगेट होगा। दूसरा एक है सिंडिकेट बैंक, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में सिंडिकेट बैंक के अंदर ऐसा नहीं कि कल सभी शेयर के अंदर फ्रेश बाइंग थी या काफ़ी इतनी शॉर्ट कवरिंग थी, उसमें भी छाटना ज़रूरी था। जहाँ पर ताज़ा खरीदारी बनी है लगता है कि वो शेयर जल्दी से टूटेंगे नहीं और जो कल का मोमेंटम है शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आज पुल बैक रैली को आना है, हालांकि हमारे शेयर्स जो है रजत के तो बकायदा 10 के 10 शेयर बाय हैं, हमने फिर भी 8 ही बाय रखे, लेकिन फिर भी आप इसमें ध्यान रखें सिंडिकेट बैंक के अंदर 46 रुपीज़ का टारगेट। वजह एक तो सरकारी बैंकों में पुल बैक जारी रहने की आज फिर से उम्मीद है, SBI के नंबर होंगे दोपहर में, उस तब तक तो शायद चल जाएगा। दूसरा आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी इसके अंदर आई है, फ्रेश बाइंग ताज़ा खरीदारी है, शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, सौदे कटे नहीं है, बकायदा डेलीबरेटली खरीदे गए हैं शेयर। सिंडिकेट बैंक पर ध्यान रखें, 46 रुपीज़ का टारगेट होगा। इनफैक्ट मेरे 9 शेयर्स खरीदारी की और एक डिक्वालिक, अच्छा एक डिक्वालिक मानगर गैस, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज पे नजर रखनी होगी। देखिए नतीजों के बाद ये स्टॉक हायर लेवल पे स्लिप जरूर किया है, लेकिन जो चीनी मिलों को राहत मिलने की खबर है, इसमें एक खबर ये भी है कि मिलों के एथेनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए भी छूट पर विचार हो सकता है, इम्पैक्ट डालेगा प्राज इंडस्ट्रीज पे। आज पॉजिटिव पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं। 96 का एक टारगेट रहेगा आज के लिए और 90 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज निश्चित रूप से अगर बाजार पलटा तो अट्रैक्टिव रहेगा। दूसरा रहेगा AstraZeneca फार्मा, आमतौर पर चर्चा कम होती है और इस समय तो फार्मा स्टॉक्स जिनके भी पोर्टफोलियो में हो उनको दुखी हो रहा है, लेकिन AstraZeneca के जो नंबर आए हैं वो बहुत तगड़े हैं। आय 30% बढ़ी है, घाटे से मुनाफे में आई है, 10 करोड़ का घाटा था उसके बदले 3 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेटिंग नतीजे शानदार हैं, 1% के मार्जिन थे पिछले तिमाही अगर देखें पिछले साल, अब वो बढ़कर हो गए हैं 10.5%। AstraZeneca आज स्टॉक रहेगा जो तेज हो सकता है, 1180 से 1190 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 1130 के आसपास कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको AstraZeneca पे लगाना ठीक है। इसके अलावा मेरी सूची में जो एक और शेयर है, आप दोस्त दूरदराज सेल के शेयर भी जानिएगा। पहला एक्साइड है, हमने आपको एक बार पहले बताया था कि एक्साइड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कल के सेशन में भी 3% तक का गिरावट थी। खैर ये तो सभी शेयर्स में गिरावट है इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में मेटल के दाम अगर वापस से बढ़ते हैं, खासकर लेड, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर जो कि ज़्यादातर इनके ही प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो फिर एक थोड़ा मुश्किल आ सकती है, ये आने वाले नंबर्स के क्वार्टर में भी थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं। दूसरा इस बार मॉनसून की रिपोर्ट अभी तक तो ठीक है, एक तो वो बड़ा बेनिफिट रहेगा इनके पास, क्योंकि अगर मॉनसून बेहतर रहता तो इनकी सेल्स के आंकड़े एकदम से डिप हो सकते हैं। ये वोल्टास के केस में आपको स्ट्रिक्टली क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसी थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी आंधी आई, आपको एकदम से सेल्स डिप आपको वोल्टास के शेयर में दिखे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताज़ा बिकवाली इसके अंदर कल बनती है, देखिए अनवाइंडिंग कहते हैं इसका एफएनडीओ के अंदर, इसमें पैसे भी कम हो जाए और ओपन इंटरेस्ट लोगों का रुझान भी कम हो जाए खरीदारी का, दिन के निचले स्तर पर बंद होना एक और ट्रिगर है, तो आप चाहें तो एक बार इसमें वापस शॉर्ट्स बना सकते हैं। 2.38 रुपये तक का टारगेट रखें और 2.49 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। एक और शेयर है जो शॉर्ट का ही है, वह जेट एयरवेज। कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी है, बनने के और तेजी बनने के आसार हैं, अभी आपको रजत बता ही रहे थे कि कोरिया वाला मैटर है, एक वेनेजुएला के अंदर भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस तो चल रही है। वेनेजुएला के अंदर इकोनॉमिक बहुत पुरानी है लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, शटडाउन हो सकता है, वहाँ की अपनी बड़ी यूनिट के कुछ कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया और वेनेजुएला भी सप्लाई में इंपॉर्टेंस रखता है। 388 रुपये तक का, यानी कि 388 रुपये तक का टारगेट रखें, एक बार इसमें आप शॉर्ट करें 404 रुपये का एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी लगातार हायर लेवल पर स्लिप कर रही है, लेकिन एक स्टॉक कल चला वो था बजाज इलेक्ट्रिकल, और निचले स्तरों से तगड़ी खरीदारी थी, दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ और मैक्सिमम वॉल्यूम जो थे वो अंतिम एक घंटे में ही देखने को मिले, 2.5% की तेजी, बाजार टूट रहा था, ये स्टॉक चढ़ रहा था, हो सकता है कि आज भी बेहतर शुरुआत रहे। 608 से 610 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 590 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना इसमें बाजार पे बहुत जरूरी है। 590 ये एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए टारगेट, हालांकि 608 से 610 की रेंज रहेगा। और एक स्टॉक है स्मॉल कैप कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक्शन इसलिए रहेगा क्योंकि नतीजे शानदार हैं, आय जो है वो 60% बढ़ी है और मुनाफे की जो फिगर है उसमें सिग्निफिकेंट जंप है, 11 गुना बढ़ा है, 21 करोड़ के पार मुनाफा पहुंचता हुआ नजर आया, ऑपरेटिंग लिहाज से भी शानदार नतीजे, 4% के मार्जिन के बदले 10.5% के मार्जिन। एक्शन कंस्ट्रक्शन आज 169 से 170 का टारगेट रखें और 162 ये आज दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 9 शेयर पूरे हो चुके हैं, अब बात सुपर हिट शेयर की।
मर्सिडीज से सुपरहिट शेयर होगा वो है मान इंडस्ट्रीज का। एक तो कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों में इनके पास अच्छे ऑर्डर्स की सप्लाई है, ये और बढ़ेगी, रुपए की कमजोरी इनके हक में आ जाएगी। और अगर खाड़ी देशों से नहीं भी बनते तो कम से कम भारत सरकार से इनको ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि वाटर वेस्ट को लेकर भारत सरकार बहुत बड़ी योजना के साथ काम कर रही है, हो सकता है कुछ एक दिनों में अनाउंसमेंट भी होती है। देखिए मान इंफ्रा इसी सेगमेंट में है, पाइप बनाती कंपनी है, तो दोनों बेनिफिट चाहे तेल हो चाहे पानी हो उन दोनों के ही बेनिफिट इनको मिल जाएगा। 120 रुपए तक का टारगेट रखें, 114 का एक स्टॉप लॉस रखा जाए इसमें। और एक स्टॉक एनआरबी बियरिंग्स, इनफैक्ट आपने नतीजे से पहले बता दिया है एनआरबी बियरिंग्स नतीजे बेहतर आएंगे और बिल्कुल उसी तर्ज पर नतीजे हैं। दोगुना हमने कहा था कि इसका मुनाफा आ जाएगा, लेकिन मुनाफा डबल हो जाएगा और मुनाफे की फिगर आई है 27 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़। तगड़े एबिटा, ये एबिटा है, मुनाफा जो है वो 11.6 करोड़ से बढ़कर 26.8 करोड़ पहुंचा है। तो एबिटा और साथ साथ मुनाफा दोनों में ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 14.3% से बढ़कर 16.2%, तो नतीजे हर पैरामीटर पे ठीक हैं। एनआरबी बियरिंग आज रडार पर रहेगा, 168 से 170 का टारगेट रखें और 156 आज दिन का एक छोटा सा लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस स्टॉक। अब जल्दी से रिकैप देखिए, मेरा पहला शेयर होगा टीसीएस, उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ, रुपए की कमजोरी का बेनिफिट, लीडरशिप किसके पास है ध्यान रखें, शेयर में ताज़ा खरीदारी फिर से हो सकती है। सिंटेक्स प्लास्टिक के अंदर 45 लाख शेयर खरीदे गए, 53.50 रुपये का टारगेट। ONGC कच्चे तेल का बेनिफिट उठाएगा, टाटा एलेक्सी में भी रुपये की कमजोरी और आखिरी घंटे में वॉल्यूम का तेजी देखने को मिलेगी। EPS शेयर की कैटेगरी में LT फूड्स है, गुरुवार को नंबर है, मुनाफा डबल आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, 55% एक्सपोर्ट करते तो रुपये की कमजोरी का इनके पास बेनिफिट। ADF फूड पर भी कैपिटल ने करीब 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं और साथ ही कैश डिलीवरी 74% की है, ये शेयर भी चल सकता है। सिंडिकेट बैंक के अंदर आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है, कल ताजा खरीदारी इसके अंदर हुई थी। टाटा माफ कीजिए सेल एक्साइड होगा, इस पे भी आप एक बार शॉर्ट पोजीशंस लेके जाइए और 2.38 का टारगेट रखें। मेटल में जो दाम बढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा नुकसान इनको मिलेगा, जेट एयरवेज कच्चे तेल में तेजी का नुकसान इनके हक में आएगा और इनके पास सिर्फ 8% की ही कैश डिलीवरी, कमजोर काउंटर शॉर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में सुपर हिट होगा मान इंडस्ट्रीज, एक तो खाड़ी देशों में पाइप की मांग और भारत सरकार से भी इनको काफी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए आज ये सुपर हिट शेयर की कैटेगरी में आया। महानगर गैस पहला स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन बिकवाली का सौदा है, 818 से 820 का टारगेट रखे, बेचे महानगर गैस, 850 का टारगेट रहेगा। मोतीलाल ओसवाल खरीदा जा सकता है नतीजों के दम पे, 945 से 950 के टारगेट के लिए। और शुगर इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको अपने रडार पर रखें, निचले स्तरों से एक तगड़ा बाउंस, एक तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है इन कंपनियों में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मवाना शुगर जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में रडार पर रहने चाहिए और सरकार 30 लाख टन चीनी बफर का स्टॉक बनाने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। साथ साथ नवकार कॉप दमदार नतीजे हैं आज, 157 से 160 का टारगेट रहेगा, 148 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज, एस्ट्राजेनेका ये कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जहां पर एक्शन आज तेज रह सकता है, एस्ट्राजेनेका में तो नतीजों का ट्रिगर भी है, इसको खरीदा जा सकता है 1180 के टारगेट के लिए, 1128 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बजाज इलेक्ट्रिकल्स और एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहां पर एक्शन तेज रह सकता है, दोनों ही स्टॉक्स पे तेजी बनाने की सलाह रहेगी, लेकिन जो चलेगा वो है एनआरबी बियरिंग जिसमें तगड़े रिटर्न मिलने की संभावना है, इसलिए क्योंकि नतीजे शानदार हैं। 168 से 170 का टारगेट रखें और 156 एक छोटा सा लगा लीजिए स्टॉप लॉस।